हेलो एवरीवन, वेलकम टू निशा नॉलेज। अपनी एनसीईआरटी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्लास 8 का चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। आज हम इस चैप्टर में मार्जिनलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और जो मार्जिनलाइज्ड लोग होते हैं उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। मार्जिनलाइज का मतलब होता है कि मार्जिन, जो लोग ग्रुप से अलग हो जाते हैं किसी न किसी कारण से, उन सभी के बारे में आज हम जानेंगे। तो चैप्टर को पूरा समझने के लिए, पूरा देखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे और भी चैप्टर्स अपलोड कर दिए गए हैं सोशल साइंस और साइंस से, बाकी और क्लासेस से प्लेस अवेलेबल है। अगर आप किसी भी कंप्लीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल पे गवर्नमेंट जॉब के नाम से प्लेस अवेलेबल है। वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस अवेलेबल है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के रिगार्डिंग। अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप वेरियस फॉर्म्स फिल कर सकते हैं। तो देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आज हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन क्या होता है और सोशली मार्जिनलाइज का मतलब क्या होता है। मार्जिनलाइजेशन को समझने के लिए हम समझेंगे मार्जिन की तरह एक सर्कल क्रिएट हो जाता है, जिसमें जो सर्कल के अंदर होते हैं या जो पावरफुल लोग या फेमस लोग होते हैं उन्हीं पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है जो सर्कल के बीच में होते हैं, लेकिन साइड साइड में जो लोग रह जाते हैं उनके बारे में यहाँ पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता और वो इस ग्रुप से अलग हो जाते हैं। दिस इज समथिंग दैट सम ऑफ यू हैव प्रोबेबली एक्सपीरियंस इन द क्लासरूम एंड द प्लेग्राउंड। कभी ना कभी हर किसी ने ये चीज ऑब्जर्व की होगी। इफ यू आर नॉट लाइक मोस्ट पीपल इन योर क्लास दैट इज इफ योर टेस्ट इन म्यूजिक और फिल्म इज डिफरेंट इफ यू एस इन मार्क्स, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको मार्जिनलाइज कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कि उन्हें कुछ नहीं आता या उनके रिलीजन अलग होते हैं या कास्ट अलग होती है या वो फेयर नहीं होते। ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से लोगों को मार्जिनलाइज होना पड़ता है। अगर आप अच्छा गेम नहीं खेलते, अच्छे म्यूजिक नहीं, अच्छे गाने नहीं गाते, आप पढ़ाई में अच्छे नहीं है, तो आप महसूस करेंगे कि आपको आपके साथ जो आपके क्लासमेट्स हैं वो आपके साथ खेलेंगे नहीं, अपनी टीम में नहीं लेंगे, आपको चांस कम मिलेंगे, जिसकी वजह से आप साइड में रह जाएंगे। यू एंड अप फीलिंग दैट यू आर नॉट विद इट, आपको ऐसा फील होगा कि आप इन सबके साथ नहीं है। फील एनीथिंग एंड हाउ यू एक्ट आर नॉट क्वाइट राइट और एक्सेप्टेबल, कि आपके साथ जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्लासरूम में सोशल एनवायरमेंट में ये ग्रुप्स होते हैं, लोगों के कम्युनिटीज होती है जिसमें बहुत सारे ऐसे लोगों को ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। ये जो मार्जिनलाइजेशन होता है उनकी लैंग्वेज के हिसाब से होता है। कभी कभी वो बहुत पुअर होते हैं इसलिए उनको अलग कर दिया जाता है सोसाइटी से। लो स्टेटस होता है इसकी वजह से भी उन्हें मार्जिनलाइज कर दिया जाता है। समटाइम के मार्जिनलाइज ग्रुप आर व्यूड विद हॉस्टिलिटी और फियर, और कभी ये जो मार्जिनलाइज ग्रुप होते हैं ये बहुत डरे हुए होते हैं, मतलब ये जो लोग होते हैं उनमें इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं होती, पावरफुल लोग नहीं होते। दिस सेंस ऑफ डिफरेंस एंड एक्सक्लूजन लीड्स टू कम्युनिटी नॉट हैविंग एक्सेस टू रिसोर्स एंड अपॉर्चुनिटी इन देयर इनएबिलिटी टू असर्ट देयर राइट्स। तो ये जो मार्जिनलाइज लोग होते हैं इनके पास इतने रिसोर्स नहीं होते, रिसोर्स का मतलब वो सारी चीजें जिसको वो यूज कर पाए डेली लाइफ में, तो उनका एक्सेस इनके पास नहीं होता। ये बहुत गरीब होते हैं जिसकी वजह से ये पिछड़ जाते हैं सोसाइटी में। दे एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ डिसएडवांटेज और पावरलेसनेस, ये एक्सपीरियंस करते हैं कि ये हर चीज से इनको डिसएडवांटेज हो रहा है, इनके पास कोई भी पावर नहीं है। जो पावरफुल लोग है, जो डोमिनेंट सेक्शन है, वो सोसाइटी में वेल्दी होता, बहुत पैसे होते हैं उसके पास, बेटर एजुकेशन उन बच्चों को मिल पाती है, पॉलिटिकली पावरफुल होते हैं जो कि सेंटर के अंदर होते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने होते हैं और सारी चीजें इन पे इजीली मिल जाती है। Thus, marginalization is seldom experienced in ones where economic, social, culture and political factor work together make certain groups in society feel marginalized. तो ये सारे फैक्टर्स सोसाइटी में मार्जिनलाइज ग्रुप्स को क्रिएट करते हैं। आज हम इस चैप्टर में दो कम्युनिटीज के बारे में पढ़ेंगे जो सोशली मार्जिनलाइज्ड हैं इंडिया में। सोमा और हेलन एक आदिवासी फैमिली है जो दिल्ली में रहती है। वो अपने ग्रैंडफादर के साथ परेड देखने जा रहे हैं। वो देखते हैं कि परेड में आदिवासी लोग यहाँ पे डांस कर रहे हैं। तो सोमा पूछती है हमेशा आदिवासी लोगों को डांस करते हुए क्यों दिखाते हैं, कुछ और इनके बारे में क्यों नहीं दिखाया जाता। तो इसके दादाजी बोलते हैं कि आदिवासी लोग भी पहले कभी अमीर हुआ करते थे, बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं जानते। हमारे भी अपने गांव थे, हम उड़ीसा में रहते थे, बहुत ब्यूटीफुल जगह थी, फॉरेस्ट में हम रहते थे, हमारे बहुत सारे लैंड थे, वहाँ पे नदियां बहती थी। सडनली हमसे कहा गया कि फॉरेस्ट छोड़ने के लिए कॉन्ट्रेक्टर्स आए जिन्होंने बहुत सारे पेड़ काट दिए, हमको मारा गया, हमने प्रोटेस्ट करी तो हमें मारा गया, कहा कि हम कोर्ट तुम्हें ले जाएंगे और फिर हमारे पास तो लॉयर्स भी नहीं थे ताकि हम फाइट कर पाए। फिर सोमा बोलती है कि हाउ डिड यू सर्वाइव, तुमने सर्वाइव कैसे किया, बहुत
वाले लोगों को वहाँ पे फोर्स किया गया उस जगह को छोड़ने के लिए, हम टाउन्स में मूव हो गए और सीजनल वर्क ढूंढने लगे, कैसे ना कैसे हमें कुछ काम मिल जाए जिससे हम अपना सर्वाइव कर पाए। फिर कंपनी वाले आए क्योंकि उस फॉरेस्ट में आयरन ओर थे, खदानें थी आयरन की, उन्होंने प्रॉमिस किया कि हमें जॉब देंगे और सस्ते रेट्स में हमारी जमीन ले ली। अदर साइंटिस्ट वुड डिस्ट्रॉय आवर लाइफ्स एंड वी वुड गेट नथिंग। बहुत सारे लोगों को कुछ भी नहीं मिला और उनकी लाइफ सबकी डिस्ट्रॉय हो गई। सालों से जिस जमीन पे हम रह रहे थे, हमारे दादा परदादा जो रह रहे थे, वो जमीन हमसे छिन गई, घर हमारे हमसे छिन गए। नॉट रियलाइजिंग दैट दे वर सेलिंग देयर लैंड्स ऑफ, ओनली अ फ्यू वर गिवन टोकन जॉब्स बट मोस्ट यूज्ड इट। बहुत कम लोगों को वहां पे टोकन जॉब्स वहां पे दी गई, बाकी सबको वहां से निकाल दिया गया। उन्होंने बहुत मारा धमकाया हमको ताकि हम वो जगह वहां से छोड़ दें। हमें वहां से जाना पड़ा और रातों रात हमारा सब कुछ हमसे छीन गया। हमारे पास कोई जगह नहीं रहने की, फिर छोटे छोटे रेंट के रूम हमने जैसे तैसे लिए जिसमें हमारे कोई प्रोटेक्शन नहीं था, ओपन स्पेसेस नहीं थे। 30 एकड़ के लिए बहुत कम पैसे हमें दिए गए। मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को बहुत सालों से नहीं देखा। बहुत सारे लोग मारे गए इस चीज में। आफ्टर फ्यू इयर्स योर फादर गॉट अ जॉब। कुछ सालों बाद तुम्हारे पापा को जॉब मिली दिल्ली में, जब हम यहाँ पर शिफ्ट हो गए। बहुत डिफिकल्ट टाइम था वो जब तुम स्कूल नहीं जाते थे। लड़का बोलता है काश मैं भी अपने फ्रेंड्स को स्कूल में अपने गांव को दिखा पाता। दादाजी बोलते हैं हाँ तुम अपनी कहानियां जो मैंने तुम्हें बताई इस तरह से तुम उसको बता सकते हो। तो लड़की बोलती है कि मैं अपने गांव के ऊपर सिचुएशन के ऊपर एक स्टोरी बनाऊंगी। लड़का बोलता है मुझे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, वहां पे सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी लैंग्वेज संथाली की वजह से, मुझे संथाली बोलनी आती है, हिंदी बोलनी नहीं आती इसकी वजह से, और हमारे कोई फ्रेंड्स भी नहीं है। तो लड़की बोलती है मेरे कुछ फ्रेंड्स सब बन रहे हैं, मैं इंग्लिश बोलना सीख रही हूँ, तो इस तरह से यहाँ पे बात हो रही है। तो ये जो दादू ने स्टोरी बताई, फोर्स किया उनको उस जगह को छोड़ने के लिए। उड़ीसा से ऐसे बहुत सारी फैमिलीज हैं, आदिवासी की मिलियंस ऑफ फैमिलीज हैं जिनको इस तरह से ये सारी चीजें फेस करनी पड़ी है। 3 आपको डिफरेंट रीजन बताने हैं, ये मार्जिनलाइज जो बन जाते हैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। Why was Dadu forced to leave his village in Odisha? तो दादू क्यों फोर्स किया गया उड़ीसा से बाहर आने के लिए या निकलने के लिए। जो ट्राइबल लोग होते हैं उनको आदिवासी भी बोलते हैं। ट्राइबल मतलब जिनके फिक्स घर नहीं होते, वो इधर उधर अपना सामान लेके घूमते रहते हैं, थोड़े ही टाइम पर एक जगह रुकते हैं। इन सबको हम शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं। शेड्यूल ट्राइब जो टर्म है वो यूज होता है यूजली आदिवासी के लिए, जो इंडियन गवर्नमेंट ने इनको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में शेड्यूल ट्राइब्स के नाम से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इनकी एक ऑफिशियल लिस्ट है। शेड्यूल ट्राइब आर ऑफन ग्रुप टुगेदर विद शेड्यूल कास्ट इन द कैटेगरी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। और ये जो शेड्यूल ट्राइब के लोग होते हैं इनको एक ही जगह मेंशन किया हुआ है। गवर्नमेंट ने एक लिस्ट बनाई हुई है इन सभी लोगों की। आदिवासी कौन होते हैं, इसका लिटरली मीन होता है ओरिजिनली इनहेबिटेड, मतलब ये वो लोग होते हैं जिनकी जमीने, जिनका घर कहीं और होता है, वो किसी न किसी कारण से इनको छोड़ना पड़ जाता है और ये जो इधर उधर इनहेबिटेंट की तरह रहते हैं इन्हीं को आदिवासी कहते हैं। ये वो कम्युनिटीज होती है जो हजारों सालों से सिर्फ फॉरेस्ट में रहते हैं। अराउंड 8% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन क्या है, आदिवासी है। और बहुत सारे इंडिया में इम्पोर्टेंट माइंस और इंडस्ट्रीज सेंटर है जो की आदिवासी एरिया में बने हुए हैं, जिसकी वजह से इन आदिवासी को वहां से अपना घर छोड़ना पड़ा। जैसे जमशेदपुर, रोहतेला, बोकारो, भिलाई, इसी तरह कुछ ये इंडस्ट्रियल सेक्टर है जहाँ पे पहले इनके हुआ करते थे, गांव हुआ करते थे, इनकी जमीनें हुआ करते थे। आदिवासी वहाँ के होमोजेनियस पॉपुलेशन नहीं है जहाँ वो अब रहते हैं। अराउंड 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप है इंडिया में, पर्टिकुलरली छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल में ये मिलते हैं, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में। स्टेट लाइक उड़ीसा इज होम टू मोर देन 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स। जो उड़ीसा है वो घर है अप्रॉक्स 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स वहाँ पे रहते हैं। आदिवासियों की सोसाइटी होती है वो डिस्टिंग होती है बाकी और लोगों से, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे बहुत कम ही हालांकि यहाँ पे देखने को मिलती है। दिस मेक्स दैम रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिटीज ऑर्गेनाइज अराउंड प्रिंसिपल्स ऑफ जाति, वर्ण, कास्ट और दोज दैट वर रूल्ड बाय किंग। ये रेडिकली डिफरेंट कम्युनिटीज होती है जो ऑर्गेनाइज होती है इस सारे प्रिंसिपल्स पे कि उनकी जाति क्या है, वर्ण क्या है। जब किंग का रूल हुआ करता, राजा महाराजा जब रूल करते थे तो वो इन सारी चीजों पर ज्यादा इन्फ्लुएंस थे कि इसे क्या जाति है, ये यहाँ पे काम करता है, छोटी जाति है, बड़ी जाति है। इन लोगों के साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था कि इनको अपने साथ नहीं बैठने देना, पानी साथ में पीने का एक्सेस ना होना, तो ये सारी
चीजें इनको फेस करनी पड़ती थी। आदिवासीज प्रैक्टिस करते हैं, उनके बिलीफ सिस्टम जो होते हैं वो सबसे अलग होते हैं, रिलीजियस अलग होते हैं, वो जो पूजा करते हैं वो अपने एंसेस्टर्स की, अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, अपने गांव की जो नेचर स्पिरिट्स हैं उनकी, और जैसे कि माउंटेन स्पिरिट्स, रिवर स्पिरिट्स, एनिमल स्पिरिट्स, इन सब की वो पूजा करते हैं, इनके ये भगवान होते हैं। Village spirits are often worshipped as specific scarecrows within the village boundary, while ancestral ones are usually worshipped at home. जो ancestral spirits होती हैं उनको घर में पूजा जाता है। Village spirits को आप गांव में यहाँ पे एक जैसे मंदिर बना देते हैं village spirits का, वहां पर इनकी पूजा की जाती है। आदिवासी have always been influenced by different surrounding religion like शक्त, बुद्धिस्ट, वैष्णव, भक्ति, क्रिश्चियनिटी। आदिवासी हमेशा इन religious groups से ये इन्फ्लुएंस हुए। ये क्वेश्चन दिया है, इन योर ऑन सिटी और विलेज हु वुड यू थिंक आर मार्जिनाइज ग्रुप। आपकी सिटी में, आपके विलेज में कौन सा ऐसा ग्रुप है जो मार्जिनाइज है, उसको डिस्कस करना है। कुछ आदिवासी कम्युनिटीज जो आपके स्टेट में आती है उनका नाम बताना है, उनकी लैंग्वेज बतानी है, क्या वो फॉरेस्ट के क्लोज रह रहे हैं अभी भी या वो माइग्रेट हुए हैं, तो ये सारी चीजें आपको बतानी है, और वो किस तरह काम कर रहे हैं। आदिवासी रिलीजन themselves have influenced dominant religion of the empire around them. For example, जगन्नाथ कल्ट ऑफ उड़ीसा और शक्ति तांत्रिक ट्रेडिशन बंगाल एंड असम। इन आदिवासी लोगों के आसपास जितने और रिलीजन ग्रुप यहाँ पे होते हैं उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, जैसे कि जगन्नाथ कल्ट में जो उड़ीसा में जगन्नाथ कल्ट है, शक्ति है जो तांत्रिक ट्रेडिशन यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी सब्सटेंशियल नंबर ऑफ आदिवासी, बहुत सारे लोग जो आदिवासी थे वो कन्वर्ट हो गए किसी और रिलीजन में, किसी ने क्रिश्चियनिटी यहाँ पे, जिसकी वजह से उनके रूट्स थी वो बिल्कुल चेंज हो गए, उनके रिलीजन यहाँ पे चेंज हो गए। आदिवासी की अपनी लैंग्वेज होती है, उनकी अलग डिफरेंट संस्कृत होती है और ट्रेडिशंस होते हैं। आदिवासी जो लोग होते हैं उनकी अलग लैंग्वेज होती है, जैसे बंगाली, संथाली, सबसे ज्यादा लोग इस लैंग्वेज को बोलते हैं। आदिवासी और स्टीरियोटाइप के बारे में देखते हैं। इंडिया यूजुअली शोकेस करता है आदिवासी कम्युनिटीज को इन पर्टिकुलर वेज में, जैसे जब स्कूल फंक्शंस होते हैं तो ऑफिशियली हम क्या देखेंगे या मूवीज में, बुक्स में, ये आदिवासी को पोर्ट्रेट किया जाता है स्टीरियोटाइपिकल वेज से, मतलब एक धारणा बन चुकी है कि आदिवासी तो ऐसे ही होते हैं, जैसे उन्हें कलरफुल कॉस्ट्यूम पहनते हैं, अपने सर पे हेड गियर्स पहनते हैं, डांस करते रहते हैं हमेशा, तो इसी तरीके से उनके यही एस्पेक्ट वहाँ पे दिखाए जाते हैं, यही चीजें लोगों को पता होती है। लेकिन इसके पीछे जो और चीजें हैं कोई ना तो उनके बारे में जानता है ना ही जानने की कोशिश करता है। This often wrongly leads to people believe that are exotic, primitive or backward. तो ये सारी चीजें इन लोगों के बारे में कही जाती है कि ये तो primitive है, पुराने सोच के लोग हैं, backward है, ये modern नहीं है, इन्हें कुछ भी नहीं पता। Often आदिवासी are blamed for their lack of advancement as they are believed to resistant to change and new idea. लेकिन आदिवासी को हमेशा advancement नहीं मिला है, उनको exposure नहीं मिला, development के मौके नहीं मिले, इवन उनके जो खुद के घर थे वो भी उनसे छीन लिए जाते हैं। जैसे 6th क्लास में हमने पढ़ा था कि stereotype की वजह से जो discrimination face करना पड़ता है लोगों को, वो किस तरह से पर्टिकुलर ग्रुप को बाकी उस सोसाइटी से उन्हें अलग कर दिया जाता है। आदिवासी और डेवलपमेंट देखते हैं। आदिवासी लोग जो होते हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं, बहुत सारे प्लांट्स के ऐसे स्पीसीज होती है, एनिमल स्पीसीज, जिसको वो डेली लाइफ में अपने खाने के लिए यूज करते हैं, मेडिसिनल पर्पस के लिए वो यूज करते हैं। अप्रॉक्स 10,000 ऐसे स्पीसीज है जिसके बारे में आदिवासी जानते हैं, और 8,000 से ज्यादा तो ऐसी स्पीसीज है जो कि मेडिसिनली यूज होती है, और जब इनको यहाँ से निकाल दिया जाता है, फॉरेस्ट से निकाल दिया जाता है, तो सारा ज्ञान इन्हीं के साथ वहाँ पे खत्म हो जाता है। एज यू हैव ऑलरेडी रीड इन हिस्ट्री टेक्स्ट बुक, फॉरेस्ट वर एब्सोल्युटली क्रूशियल टू द डेवलपमेंट ऑफ एम्पायर। जैसे कि हमने अपनी हिस्ट्री की बुक में पढ़ा कि फॉरेस्ट कितने ज्यादा जरूरी होते हैं किसी एम्पायर के डेवलपमेंट में, जो सिविलाइजेशन यहाँ पे रहती है इंडिया में, उन सबके लिए मेटल ओर्स यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, कोल, डायमंड, इनवैल्यूएबल टिम्बर, मोस्ट मेडिकल हर्ब्स यहाँ पे मिलती है, एनिमल प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलते हैं जैसे कि वैक्स, हनी, लैग, एनिमल देमसेल्व्स, खुद एनिमल्स यहाँ पे इतने सारे होते हैं, जैसे एलिफेंट, मेनस्ट्रीम इंपीरियल आर्मीज के लिए जिसको यूज किया जाता था, All came from forests. ये सभी चीजें कहाँ से आते हैं? Forest से। In addition, the continuation of life depends heavily on forests that can help recharge many Indian rivers. यहाँ से mainstream rivers बहती हैं जो कि पानी का source होती है सभी के लिए। As it becoming clear now, अब इसको काट दिया गया, हटा दिया गया, clear कर दिया गया इन forests को, crucial to availability and quality of air and water यहाँ पे impact हुई है। फॉरेस्ट कवर्ड मेजर पार्ट है कंट्री के। 19th सेंचुरी फॉरेस्ट बहुत ज्यादा थे, इन रिस्पेक्ट ऑफ अब बहुत सारे फॉरेस्ट को कट कर दिया गया है। आदिवासी को डीप नॉलेज होती है, बहुत एक्सेस होता है, कंट्रोल होता है फॉरेस्ट का, जिसमें सारी चीजों के बारे में उन्हें पता होता है कि कौन सी चीज कहाँ मिलेगी फॉरेस्ट में। दिस मीन्स दैट दे वर नॉट रूल्ड बाय लार्ज स्टेट एंड एम्पायर, इंस्टेड ऑफ एन एम्पायर हैवली डिपेंडेंट ऑन आदिवासी फॉर द क्रूशियल एक्सेस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। लार्ज एम्पायर होते हुए भी जो किंग थे, जो स्टेट थी, वो इन फॉरेस्ट ड्वेलर्स पे, फॉरेस्ट आदिवासी पे डिपेंडेंट थी, ताकि वो फॉरेस्ट की जो चीजें हैं वो उन्हें मिल पाए। क्वेश्चन पूछे, व्हाट मेटल्स आर इम्पोर्टेंट प्रेजेंट डे, कौन सा मेटल इम्पोर्टेंट है, क्यों, कहाँ से आया है, और वहाँ पे कौन सी पॉपुलेशन थी आदिवासी के जहाँ से वो आया है।
ऐसे 5 प्रोडक्ट्स आपको अपने घर से लिस्ट करने हैं जो कि फॉरेस्ट लैंड। बाय हुम वर द फॉलोइंग डिमांड बीइंग मेड ऑन फॉरेस्ट लैंड। तो ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन से बतानी है। टिम्बर कहाँ से आया जो आपके हाउसेस और रेलवेज में यूज हुआ है। फॉरेस्ट लैंड माइनिंग की जा रही है। फॉरेस्ट लैंड फॉर एग्रीकल्चर नॉन ट्राइबल लोगों के लिए। दिस इज रेडिकली कॉन्ट्ररी टू आर इमेज ऑफ आदिवासी टूडे एज समवर्ट मार्जिनाइज और पावरलेस कम्युनिटीज हो चुकी है। ये आदिवासी के पास इतनी पावर नहीं है, ये मार्जिनाइज हो गए हैं सोसाइटी से। इन द प्री कॉलोनियल वर्ल्ड की अगर बात करें ब्रिटिश इरा से पहले, तो ये जो आदिवासी थे इनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी। इनको हंटर गैदर्स के रूप में देखते थे, नोमैड्स लोगों के बारे में देखते थे जो कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, आप कमेंट मुझे इसका मतलब बताएंगे। ऑल्सो कल्टिवेटिंग इन वन प्लेस, ऑल्दो दीज रिमेन फॉर 200 सालों तक ऐसे ही रहा, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने भी इनको यहाँ से निकालना शुरू करा, फॉरेस्ट को निकालना शुरू करा। आदिवासी को हमेशा फोर्स किया गया है, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हुई। फॉरेस्ट पॉलिसीज, पॉलिटिकल प्रेशर इन पे अप्लाई किए गए, नए नए फॉरेस्ट पॉलिसीज आई, जिसकी वजह से इनको अपने फॉरेस्ट छोड़ने पड़े। स्टेट और प्राइवेट इंडस्ट्रीज वहां पे बनने लगी, ये लोगों को माइग्रेट करना पड़ा टाउन्स में, और फिर ये इधर उधर कहीं पे काम ढूंढने लगे, कंस्ट्रक्शन साइट पे, प्लांटेशन में, इंडस्ट्रीज में, और कभी कभी इनको डोमेस्टिक वर्कर के में काम करना पड़ा ताकि ये अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सके। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री दे डू नॉट कंट्रोल और हैव मच डायरेक्ट एक्सेस टू द फॉरेस्ट टेरिटरी। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ हिस्ट्री में जिसमें इनके साथ इतना ज्यादा बुरा किया गया, इतना रिमार्केबल चेंज यहाँ पे देख रहा है इनकी लाइफ में। रात और रात इनकी लाइफ बिल्कुल बदल गई, इनके घर, इनके लैंड, इनको सब कुछ छोड़ के एकदम से जाना पड़ा, और इनका कोई कंट्रोल नहीं रहा, कोई एक्सेस नहीं रहा उन फॉरेस्ट पर। 1830 की बात करें तो आदिवासी जो थे झारखंड के, उसके आसपास जो एडजॉइनिंग एरिया था, नंबर ऑफ वेरियस प्लांटेशन है इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, जहाँ पे ये इस तरह से मूव कर गए, जिसमें मॉरिशियस, कैरेबियन, इवन ऑस्ट्रेलिया में भी इनको यहाँ से ले जाया गया फोर्स लेबर के लिए। जो टी इंडस्ट्रीज है वहां पर ये लेबर की तरह काम करते हैं असम में। आज 70 लाख आदिवासी असम में अकेले हैं, मार्जिनलाइज हैं। स्टोरी ऑफ दिस माइग्रेशन इज फुल ऑफ एक्सट्रीम हार्डशिप। यहाँ पे इनका माइग्रेशन हुआ, इन्होंने जो अपने घर छोड़ने पड़े यहाँ पे, अगर इसके बारे में जानने की कोशिश करें तो बहुत ज्यादा हार्डशिप, टॉर्चर, हार्ट ब्रेक और डेथ इनको देखनी पड़ी। फॉर एग्जाम्पल 19th century में 5 लाख आदिवासी को माइग्रेट किया गया। नीचे जो सॉन्ग दिया हुआ इसके बारे में पूरी रियलिटी बताई है कि असम में क्या क्या इन लोगों ने फेस किया था। What do you think this poem is trying to convey? कि ये poem आपको क्या कन्वे कर रही है? ये फोटो है नियामगिरी हिल की, जो कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है उड़ीसा में। दिस एरिया इज इनहेबिटेड डोगरिया कॉन्स, आदिवासी कम्युनिटी यहाँ पे पहले रहते थे। ये सेक्रेड माउंटेन्स की यहाँ पे जगह है, आसपास माउंटेन्स है, बहुत सारे मेजर एल्युमिनियम कंपनी यहाँ पे सेटअप हो चुकी है, माइन रिफाइनरी यहाँ पे सेटअप हो चुकी है। आदिवासी कम्युनिटीज को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया है। They have strongly resisted this proposed development and have been joined by environmentally as well. A case against the company is also pending the Supreme Court. So, कभी कभी अगर ये केस भी करते हैं तो इनका जो केस है वो इतने लंबे चलते हैं, आज भी वो केस इनका सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और ये यहाँ पे इंडस्ट्रीज रन कर रही है, यहाँ से इन लोगों को हटा भी दिया। Forest lands have been cleared for timber. Forest को क्लियर किया जाता है टिम्बर के लिए, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के लिए, जगह बनाने के लिए। आदिवासी जो लोग यहाँ पे रहते हैं, दैट आर रिच इन मिनरल्स, जो कि ये जगह है यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, इनको निकालने के लिए लोगों को यहाँ से माइग्रेट किया जाता है। यहाँ पे माइनिंग एक्टिविटीज, लार्ज इंडस्ट्रीज यहाँ पे लगाई जाती है। पावरफुल फोर्स हैव ऑफन कंटिन्यू टू टेक ओवर ट्राइबल लैंड, बहुत फोर्सफुल इनको यहाँ हटाया जाता है, इनके ऊपर यहाँ पे वायलेट किया जाता है, जिसकी वजह से इनको यहाँ से माइग्रेट करना पड़ता है। फोर्सफुल इनसे इनकी जमीनें छीनी जाती है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर हम देखें तो मोर देन 50% लोग ऐसे हैं जिनको डिस्प्लेस होना पड़ा इन माइंस और माइनिंग प्रोजेक्ट्स की वजह से। अनदर रीसेंट सर्वे की अगर रिपोर्ट देखें हम तो आदिवासी शो 79% ऑफ द पर्सन डिस्प्लेस फ्रॉम द स्टेट, 79% ऐसे लोग हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में जो कि ट्राइब्स हैं, जिनको अपने घर यहाँ पे छोड़ के आने पड़े। ह्यूज टाइप्स ऑफ दिस लैंड हैव आल्सो गोन अंडर द वाटर्स ऑफ 100, जब डैम्स बनाए गए तो उनके ऐसे गांव के गांव इसमें दब गए, पानी के अंदर हो गए वो, जिसकी वजह से इनको यहाँ से हटना पड़ा। और ये सारी चीजें इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद इनके साथ हुई। नॉर्थ ईस्ट के जो लैंड्स है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट का जो डाटा है नवंबर 2023 का, इंडिया हैज 10 नेशनल पार्क जो कि कवर करते हैं 44,402.9 स्क्वायर किलोमीटर, 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो कि इन फॉरेस्ट में बनाई गई है। इन्हीं फॉरेस्ट में ये लोग पहले से रहते आए थे, और ये नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ बनाने के लिए लोगों को यहाँ से हटाया गया, इनको कोई भी राइट्स यहाँ नहीं दिए गए, जिसकी वजह से भी इनको यहाँ से हटना पड़ा। तो यहाँ पे वही पिंक बॉक्स में दिया गया है कि अराउंड 10,000 स्पीसीज ऐसी हैं जिसके बारे में ये आदिवासी लोग जानते हैं। 325 पेस्टिसाइड के यूज हो रहे हैं, 425 गम्स के लिए, रेजिन के, 550 फाइबर,
3500 एडिबल के लिए यूज हो रही है, तो बहुत सारी नॉलेज होती है इन आदिवासी लोगों को। जब इनको कोई एक्सेस नहीं रहा फॉरेस्ट का और उनके जो लैंड है जिसपे वो काम कर रहे थे, ना इनके पास रहने की कोई जगह नहीं खाने की, तो इनको यहाँ से ट्रेडिशनल होमलैंड जो थे जहाँ पे सदियों से रहते आए थे इनको ये छोड़ना पड़ा, माइग्रेट करना पड़ा सिटीज में, और फिर वो जगह जगह भटकते रहे काम ढूंढने के लिए। लो वेजेस पे इनको लोकल इंडस्ट्रीज में काम दिया जाता है कंस्ट्रक्शन साइट पे, जहाँ पे इनकी कोई भी सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं होती इनकी लाइफ की भी। 45% ट्राइबल ग्रुप रूरल एरियाज में रहते हैं, 35% ग्रुप ऐसे हैं जो अर्बन एरियाज में यहाँ पे रहते हैं और पॉवर्टी लाइन के नीचे वो यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। डिप्रिवेशन हो रखा है उनका हर एरिया में, बहुत सारे ट्राइबल लोग हैं, ट्राइबल बच्चे ऐसे हैं जो माल नरिशन इनको प्रॉपर फूड भी यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है, लिटरेसी रेट्स जो है यहाँ पे बहुत कम है, लोगों को यहाँ पे पढ़ाई लिखाई भी नहीं आती है। इन ट्राइब्स के बारे में हम यहाँ पे बात करें, आपके ओपिनियन से बताइए व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट दैट आदिवासी शुड हैव से इन हाउ देयर फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट लैंड आर यूज। किस तरह से बता सकते हैं आपको कि फॉरेस्ट को फॉरेस्ट लैंड को यूज करते थे। जब आदिवासी यहाँ से हट गए, इनकी जो जमीनें थी जो उन्होंने छोड़ दी थी वो एक सोर्स ऑफ इनकम थी, दे लूज देयर ट्रेडिशन, उनको अपना ट्रेडिशन छोड़ना पड़ा, कस्टम छोड़ना पड़ा, जहाँ पे वो रहते थे वो सारी चीजें उनको छोड़नी पड़ी, उनके फार्मिंग लैंड उनसे छीन गए, उनके घर उनसे छूट गए। दे टुक क्रीमेशन ग्राउंड टेम्पल, उनके ग्राउंड टेम्पल वेल पॉन्ड ये अपने साथ क्या क्या लेके जाते, सब कुछ इन्हें छोड़ना पड़ा। हाउ विल वी सर्वाइव, इनके मन में हमेशा ये सवाल था कि हम कैसे जिंदा रहेंगे। जो गोविंद मरण है जो डिस्प्लेस हुआ है उड़ीसा की रिफाइनरी फैक्ट्री की वजह से, यहाँ पे बात बता रहे हैं कि किस तरह से उनके साथ यहाँ पे हार्डशिप उनको फेस करनी पड़ी। इकोनॉमिक और सोशल डायमेंशन जो होते हैं ट्राइबल लाइफ की बहुत ज्यादा खराब होती है। डिस्ट्रक्शन इन वन स्पेयर नेचुरली इम्पैक्ट अदर, जब एक स्पेयर का डिस्ट्रक्शन होता है, अगर फॉरेस्ट में जब यहाँ पे माइनिंग एक्टिविटीज के लिए इनके जमीन इनसे ली जा रही है, घर इनसे लिया जा रहा है, तो यहाँ पे खेती करने कैसे जाएंगे, एक एक्सपर्ट सारे ही एक्सपर्ट यहाँ पे इम्पैक्ट होते हैं। ऑफन दिस प्रोसेस ऑफ डिस्पोजन एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी पेनफुल एंड वायलेंट, बहुत ज्यादा पेनफुल होता है ये पूरा प्रोसेस और वायलेंट होता है। माइनॉरिटीज और माइग्रेशन जो होता है उसके बारे में देखते हैं कि माइनॉरिटीज क्या होती है और माइग्रेशन क्या होता है। माइनॉरिटी मतलब वो लोग जिनकी संख्या कम है इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर कास्ट के या फिर अदर रिलीजियस ग्रुप के, कोई भी माइनॉरिटी में यहाँ पे लोग हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करती है सेफगार्ड टू रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को, जो की फंडामेंटल राइट हमें मेंशन है। व्हाई डू यू थिंक दीज माइनॉरिटी ग्रुप हैव बीन प्रोवाइडेड दीज सेफगार्ड, ये सारे सेफगार्ड माइनॉरिटीज को क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, आप क्या सोचते हैं? ये टर्म जो है माइनॉरिटी मोस्ट कॉमनली रेफर होती है इन कम्युनिटीज के जो कि न्यूमेरिकली स्मॉल है, नंबर में कम है, और बाकी और पॉपुलेशन के हिसाब से ये नंबर में कम है। इट इज अ कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है दैट गोज वेल बियॉन्ड द नंबर, ये कॉन्सेप्ट है जिसमें सिर्फ नंबर के बारे में बात नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे और भी चीजों के बारे में और भी एस्पेक्ट्स बारे में यहाँ पे देखना चाहिए, जिसमें अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसीज लेकर आती है, कोई भी आइडियाज लेकर आती है लोगों के लिए, होता क्या है जो मेजोरिटी लोग हैं उनको ज्यादा फायदा होता है, माइनॉरिटी लोग वहाँ पे फिर से ऐसे ही पीछे छूट जाते हैं। इन सारे केसेस में जो साइज है वो डिसएडवांटेज में चल जाता है इनका, कि मतलब इनके जो नंबर कम है तो इतना इनके ऊपर ध्यान भी नहीं दिया जाता, जिससे ये मार्जिनलाइज लोग जो है, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि जो मार्जिनलाइज लोग हैं वो हमेशा स्मॉलर कम्युनिटीज में हम दिखाई देंगे। इनको जरूरत है कि हम प्रॉपर सेफगार्ड इनके लिए लेकर आए, प्रोटेक्शन इनको प्रोवाइड करें। जो मेजोरिटी यहाँ पे होती है रिलीजियस की या किसी भी कास्ट की, वो हमेशा इनको हरास करती है, डोमिनेट करती है। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट दैम अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन और डिसएडवांटेज, इनके लिए कुछ ऐसे रूल्स लाने चाहिए, लॉज लाने चाहिए, जिसकी वजह से इन्हें डिस्क्रिमिनेशन और डिसएडवांटेज से इनको फेस ना करना पड़े। गिवन सर्टेन कंडीशंस कम्युनिटीज दैट आर स्मॉल इन नंबर रिलेटिव टू द रेस्ट ऑफ सोसाइटी में फील इनसिक्योर, ये कम होते हैं नंबर में इसलिए हमेशा ये इनसिक्योर फील करते हैं, इनके पास इतने एसेट्स नहीं होते हैं। माइनॉरिटी और मेजोरिटी की कम्युनिटीज के बीच में ये बहुत ज्यादा इनको डराता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा व्हाई डू वी नीड सेफगार्ड्स फॉर माइनॉरिटी, माइनॉरिटीज के लोगों के सेफगार्ड्स की यहाँ पे क्यों जरूरत है, अगर सेफगार्ड नहीं होगा तो ये मार्जिनलाइजेशन की वजह से बिल्कुल खत्म होने जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं, इंडिया की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो प्रमोट करती है इक्वालिटी को, जस्टिस को, ताकि यहाँ पे यूनिटी बनी रहे, सभी लोग यहाँ पे अच्छे से सर्वाइव कर पाए विद डिग्निटी। चैप्टर 5 में हमने पढ़ा जुडिशरी कैसे रोल प्ले करती है ताकि फंडामेंटल राइट यहाँ पे किसी के वायलेट ना हो, हर सिटीजन को यहाँ पे फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होते हैं तो कोर्ट जा सकते हैं। तो मार्जिनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं मुस्लिम कम्युनिटीज को, मुस्लिम और मार्जिनाइजेशन को, 2011 का सेंसस देखा गया जिसमें 14.2% यहाँ पे मुस्लिम्स की यहाँ पे जनसंख्या थी। इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें ये कॉम्पेरेटिवली लो थे, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो था, इनका स्टेटस जो था वो कम था।
डाटा में यहाँ पे तीन टेबल आपको दिखाई दिया है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सोर्स को इंडिकेट किया गया है। जैसे ये रिलीजियस कॉमिटीज के यहाँ पे नाम है और ये बताया कि कितनी कॉमिटीज के पास पक्का हाउस है, इलेक्ट्रिसिटी और टैप वाटर की फैसिलिटी यहाँ पे मिलती है। ये 2011 के लिटरेसी रेट का सेंसस है और ये यहाँ पे सारे कॉमिटीज के बारे में। ये मुस्लिम्स का पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में परसेंटेज बताया कि वो कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं। डाटा को रीड करना है जो कि संचार कॉमिटीज की रिपोर्ट से है। संचार कॉमिटी बनाई गई थी मुस्लिम्स के लिए, उनके अफ्लिक्टमेंट के लिए और ये देखने के लिए क्या क्या उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। 25% जो मुस्लिम बच्चे हैं 6 से 14 साल के वो कभी स्कूल नहीं जा पाए, उनको स्कूल छोड़ना पड़ा और ये परसेंटेज है बढ़ता जा रहा है, वो 58 पेज में देखेंगे। डू यू थिंक स्पेशल मेजर्स आर रिक्वायर्ड टू एड्रेस दिस सिचुएशन? क्या हमको इसको एड्रेस करने के लिए, सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए स्पेशल मेजर्स लाने चाहिए? हमें रिकॉग्नाइज करना है जो मुस्लिम्स हैं इंडिया में वो लैगिंग बिहाइंड इन टर्म, वो पीछे रह गए इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट इंडिकेटर। जो है गवर्नमेंट ने हाई लेवल की कमिटी फिर सेटअप की 2005 में जो चेयर की गई, ये चेयरमैन कौन थे? राजेंद्र सचार। कमिटी को एग्जामिन करे थे सोशल इकोनॉमिक और एजुकेशन स्टेटस के हिसाब से। उन्होंने यहाँ पे चेक किया मुस्लिम कम्युनिटीज को इंडिया में और रिपोर्ट की डिटेल में मार्जिनलाइजेशन के बारे में सजेस्ट किया कि रेंज ऑफ सोशल इकोनॉमिक और एजुकेशन इंडिकेटर की वजह से ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो कंपेरेबल बाकी और कम्युनिटीज से यहाँ पे बहुत ज्यादा लो है, जैसे की शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। इसी तरह की सिचुएशन को फेस करनी पड़ गई। फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू 56 पेज की जो रिपोर्ट है, एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग जो है बच्चों का, मुस्लिम बच्चों का, वो 7 से 16 साल के बीच में बहुत कम है। या तो उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ रहा है वो, या फिर एनरोल ही नहीं कर पा रहे। इन सोशल रिलीजियस कॉमिटी जो अदर है उनके रिस्पेक्ट में ये लोग कम है, ये बच्चे कम स्कूल जा रहे हैं। इकोनॉमिक और सोशल माइग्रेशन जो होता है ये एक्सपीरियंस करते हैं मुस्लिम हर एक डायमेंशन पे, जैसे कि जो माइनॉरिटीज है, मुस्लिम के जो कस्टम्स है, ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनके जो रिलीजन है, इन सब तरीकों से इनको यहाँ पे मार्जिनलाइज किया जाता है क्योंकि बोलने का तरीका अलग है, इनका रिलीजियस अलग है। ये सारी चीजों की वजह से इनको मार्जिनलाइजेशन फेस करना पड़ता है। जैसे कि मुस्लिम्स में वियर अ बुर्का, जो मुस्लिम वुमन होती है वो बुर्का पहनती है और जो जेंट्स होते हैं उनकी लॉन्ग बियर्ड होती है, वियर फेस पहनते हैं वो। ये सारी आइडेंटिटी होती है मुस्लिम्स की, बिकॉज ऑफ दिस दे टेंड टू बी आइडेंटिफाइड डिफरेंटली, जिसकी वजह से इन्हें डिफरेंटली आइडेंटिफाई किया जाता है, ट्रीट किया जाता है बाकी और से अलग। Often this becomes an excuse to treat them differently. एक एक्सक्यूज मिल जाता है लोगों को कि ये हमसे अलग है इसलिए इनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। इसी वजह से बहुत सारे वायलेंस इनको झेलनी पड़ती है, बहुत सारी चीजों के एडवांटेज इसको नहीं मिलते जो सरकार की तरफ से आ रहे होते हैं। इकोनॉमिक मतलब इनको एक्सेस नहीं होता हर जगह वर्क करने का। सोशल मार्जिनलाइजेशन मतलब सोसाइटी में किस तरह से इनको अलग कर दिया जाता है। इस चैप्टर में हमने आदिवासी की सिचुएशन देखी। 7th क्लास में हमने वुमेन स्टेटस को देखा, किस तरह से वुमेन्स को भी मार्जिनलाइजेशन यहाँ पे मार्जिनलाइज ग्रुप की तरह यहाँ पे ट्रीट किया जाता है, उनके साथ भी यहाँ पे कितनी हार्डशिप वायलेंस की जाती थी। तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको इस सारी चीजें फेस करनी पड़ती है सोसाइटी में, जिनके पास कोई राइट नहीं होती, कोई पावर नहीं होती, वो सिर्फ डरे रहते हैं और जो पावरफुल लोग हैं उनका यहाँ पे ज्यादा डोमिनेंस ही यहाँ पे झेलनी पड़ती है उन सभी को। ये कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है जिसको बहुत सारे स्ट्रेटेजी मेजर और सेफ गार्ड की जरूरत है ताकि ये सिचुएशन यहाँ पे बदल सके। कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज और पॉलिसीज यहाँ पे फ्रेम होनी चाहिए ताकि इनके जो राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे वो ना हो। विदाउट दिस वी विल नेवर बी एबल टू प्रोटेक्ट, बिना लॉज के रेगुलेशन के हम इन डाइवर्सिटी को यहाँ पे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, जिसमें कि स्टेट कमिट करे कि हम सबको इक्वालिटी अपने स्टेट में प्रमोट करनी। तो ये साचार कमिटी है जिन्होंने यहाँ पे बताया कि 60% जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल को अटेंड करें और 30% प्राइवेट स्कूल को यहाँ पे अटेंड करें, 4% मुस्लिम चिल्ड्रंस है जो मद्रास में अटेंड करें स्कूल को। कंक्लूजन अगर हम देखें इस चैप्टर के बारे में, चैप्टर को समझने के लिए, तो हम इन मार्जिनलाइज्ड कमिटी के बारे में देखेंगे कि कितने सारे हार्डशिप्स, कितना सारा डिफरेंट एक्सपीरियंस इनको करना पड़ता है इन कम्युनिटीज को सोसाइटी में। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रीजंस होते हैं जिसकी वजह से इन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। सभी लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वेज में मार्जिनलाइजेशन एक्सपीरियंस करते हैं जिसकी वजह से इनको डिसएडवांटेज होती है, प्री जस्टिस और पावरलेसनेस फील होती है। बहुत सारी ऐसी सेवरल कम्युनिटीज हैं जैसे दलित की, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, कि जो मार्जिनलाइजेशन रिजल्ट होता है जिसकी वजह से इनका सोशली ये पीछे रह जाते हैं, इनको इतना एक्सेस नहीं होता डेवलपमेंट का, जिसकी वजह से ये और गरीब होते जाते हैं, इनका अपलिफ्टमेंट नहीं होता सोसाइटी में। यहाँ पे बोला गया कि ये जो मार्जिनलाइज लोग हैं, अगर इनको प्रॉपर डेवलपमेंट का, प्रॉपर एजुकेशन के राइट्स, उनको सब कुछ इक्वालिटी में हो, तो ये हमेशा मार्जिनलाइज थोड़ी ना रहेंगे। ये मार्जिनलाइज इसलिए है क्योंकि इनके पास एक्सेस नहीं है रिसोर्सेज का बाकी और लोगों की तरह, जिसकी वजह से ये यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट भी किए जा रहे हैं। अगर इनको डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, प्रॉपर एक्सेस हो, तो ये बाकी और लोगों की तरह यहाँ पे ट्रीट होंगे और इनकी जो डेली लाइफ की कंडीशन है उसको भी चेंज कर पाएंगे। हिस्ट्री में हमने देखा किस तरह से जो सोशल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, इन्होंने स्ट्रगल किया, रेजिस्टेंस किया इन सभी डोमिनेंस ग्रुप को, ताकि उनको भी यहाँ पे सारे राइट दिए गए।
While our communities want to maintain their culture discipline while having access to right development and other opportunities. अगर इनको सारे ये opportunities मिले तो ये भी confront कर सकते हैं marginalization को. ऐसे discuss करते हैं, उसके बाद ये chapter finish हो जाएगा. Write in your own word, अपने words में आपको लिखना है दो या दो से ज्यादा sentence marginalization के बारे में आपको समझाते हुए. दो reason आपको बताना है कि आदिवासी क्यों बढ़ते जा रहे हैं या क्यों marginalized होते जा रहे हैं. एक रीजन आपको बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से इनके सेफ गार्ड बनाए गए हैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए, जो कि इम्पोर्टेंट है. दोबारा रीड करना है आपको माइनॉरिटी और माइनराइजेशन को, और उसके एक टर्म को डिफाइन करना है जो कि माइनॉरिटी है. यू आर पार्टिसिपेटिंग अ डिबेट वेयर यू हैव टू प्रोवाइड रीजन टू सपोर्ट द फॉरेन स्टेटमेंट. तो आप एक डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसमें आपको इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है कि माइनराइज कम्युनिटी की, मुस्लिम की जो कम्युनिटी है माइनराइज है. तो यहाँ पे आपको दो रीजन भी देने हैं. इमेजिन करिए रिपब्लिक डे पे जो परेड हो रही है, टीवी में आप देख रहे हैं आपके फ्रेंड और वो देखते हैं ट्राइबल्स को जो कि एग्जॉटिक दिख रहे हैं एंड दे सीम्स टू डांसिंग, और हमेशा वो डांस करते हुए दिखाई देते हैं. तो आपको तीन चीजें आपको डिस्क्राइब करनी है आदिवासी इसकी लाइफ के बारे में इंडिया में. स्टोरी बोर्ड में जो हमने पढ़ा था हेलन होप्स टू मेक अ मूवी, हेलन ये सोची थी कि आदिवासी के लिए हम स्टोरी बनाएंगे, मूवी बनाएंगे, तो क्या आप उसकी हेल्प करेंगे? इस शॉर्ट स्टोरी आपको लिखनी है. एक स्टेटमेंट दे रहा है कि आप उससे एग्री करते हैं कि इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन जो होती है वो सोशल मार्जिनलाइजेशन और इंटरलिंक, मतलब इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन और सोशल मार्जिनलाइजेशन इंटरलिंक करते हैं. क्यों? क्योंकि ये देखिए, अगर किसी के पास पैसे नहीं होंगे तो सोशली उसको कम ट्रीट किया जाएगा, उसके पास एक्सेस कम होगा डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी में उसको स्टेटस भी नहीं मिलेगा. तो ये सारी चीजें इंटरलिंक होती है. डिस्प्लेस का मतलब कि लोगों को जो अपने घर छोड़ने के लिए यहाँ पे फोर्स किया है. हयार की मतलब लोगों की पीढ़ियां वहां पे रहती आई है, मतलब उनके दादा पर दादा फिर उससे ही पहले के लोग. गेटोइजेशन क्या है? तो वो एक एरिया है जो कि लार्जली पॉपुलेटेड है उस पर्टिकुलरली कम्युनिटी के लोगों से. इनके पास बहुत कम ऑप्शन होते हैं बाहर जाने के, वो जिस एरिया में रहते हैं वहीं से सारी चीजों को यूज करते हैं. मेन स्ट्रीम क्या होता है, मिलिटराइज क्या होता है, मार्जिनलाइज क्या होता है. तो मिलिटराइज मतलब आर्म फोर्सेस, मेन स्ट्रीम मतलब रिवर का जो स्ट्रीम है, जो मेन रिवर है वो. तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गए, वीडियो यहाँ पे खत्म हो गए. नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे. तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आगे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए. इन वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें ताकि ये वीडियो सभी लोगों तक पहुंच सके, सबको इनका बेनिफिट हो. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.